नमस्कार इंडिया 360 डिग्री में हम बात करेंगे बिहार में ताजा सियासी हलचल की, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में सारण के डीएम हरिहर प्रसाद पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। उन पर लाठी डंडों और पत्थर से हमला किया गया है। घटना पहलेजा दीघा घाट के पास की है। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन यह हादसा बता रहा है कि नीतीश के लिए आने वाले दिनों में चुनौती जबरदस्त रहने वाली है। बिहार में नीतीश के शपथ लेने के कुछ घंटों के भीतर ही सुशासन स्थापित करने के उनके वादे को छपरा में चुनौती मिलनी शुरू हो गई। आरजेडी समर्थकों का हमला किसी और पर नहीं बल्कि डीएम यानी जिलाधिकारी हरिहर प्रसाद पर हुआ है। डीएम पर न सिर्फ पथराव हुआ बल्कि लाठी से भी वार किया गया। जिले के सबसे बड़े अधिकारी की सार्वजनिक पिटाई ने बिहार में आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था की अग्नि परीक्षा का नमूना पेश कर दिया है। मामला तब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया जब पहलेजा दीघा पुल पर जाम में जिलाधिकारी की गाड़ी फंस गई। जाम पर बैठे आरजेडी समर्थकों ने समझाने बुझाने के क्रम में कई प्रदर्शनकारियों ने डीएम हरिहर प्रसाद और उनके सुरक्षा कर्मियों पर पथराव कर दिया। मजबूरन जिलाधिकारी को उल्टे पांव भागना पड़ा। मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उनकी जान बचाई। डीएम साहब को कोई बहुत बड़ी चोट तो नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला पेश आया किसी भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। बिहार में ताजा सियासी घटनाक्रम से आरजेडी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर बेकाबू हो रहा है। नीतीश ने शपथ तो ले ली है, लेकिन अब सामने विरोध की इस आंधी को काबू में करने की चुनौती है। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।